एंड दूसरी चीज है कि तो मौसम है प्यारा. ओके सो आज हम लोगों ने डिसाइड किया है थोड़ी सी क्रिसमस शॉपिंग. हो जाता है कि ओ ये चीजें ऐसे है. यू गॉट द रैटाटुई को दिखाओ. हेमंत ने ये लिया है बहुत ही प्यारा सा मग. जान जानी है कोई आ गया बहन बा. सो इंट्रोड्यूसिंग माय मॉनी. व्हाट और ना. सो जब आप अपने लेसन लर्न कर लेते हैं वो लोग टोटली डिफरेंट हो जाते हैं या आपकी लाइफ से निकल जाते हैं. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है. उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे. आज हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं कि मेडिटेशन की जर्नी को कैसे शुरू करें. सो यस, मैंने सोचा कि आज ही व्लॉग भी शूट करना शुरू कर लेते हैं. सो हमारे घर के नज़दीक ही हमें ये बोर रिवर का एक जगह मिलती है जहाँ पे हमें मेडिटेट करना बहुत अच्छा लगता है. एंड नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है एंड मौसम अभी भी बहुत खूबसूरत है. एंड जब भी मौसम खूबसूरत होता है तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ के ध्यान करना. एंड दूसरी चीज़, अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपने बहुत बार यहाँ की स्टोरीज़ देखी होंगी. एंड बहुत सारे दोस्त पूछते हैं ये कौन सा स्पॉट है. हाँ, ये साउथ ईस्ट है और हमारे घर से बहुत नज़दीक है, लाइक 5 मिनट लगते हैं हमें. सो यस, यहाँ पे आके अच्छा लगता है हमें बहुत ज़्यादा. सो यार, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपके लिए भी मैं ना एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपनी मेडिटेशन की जर्नी कैसे शुरू करें जल्दी से जल्दी. पहले मैं ना थोड़ा स्केप्टिकल थी बनाने के लिए क्योंकि मैंने डर लगता है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मैनू आप उन्ना तो पता नहीं है जिन्ना आपको क्या बताऊँ. बट फिर भी मुझे किसी महापुरुष की बात मेरे सामने आ गई कि आपको जितना पता है आपको उतना ही शेयर करना चाहिए ताकि शायद किसी की मेडिटेशन की जर्नी मेरी वजह से शुरू हो जाए. और क्या चाहिए, आप खुद करो और दूसरों से कराओ, यही हमारा मेन मकसद है. आजकल ना मैंने अखा बंद करके गला करना ज़्यादा मज़ा आंदा तो इसलिए मैं आगे बंद कर लेती हूँ. वैसे भी तो पड़ रही है मेरे मुंह में. सो या दोस्तों, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं. क्रिसमस आने वाली है और हेमंत ने मुझे कहा था कि जैसे 31 अक्टूबर ख़त्म होती है एक नवंबर को तुम जल्दी से जल्दी क्रिसमस की डेकोरेशन कर लेना. मेरे पास ऑलरेडी डेकोरेशन है पर मैं कुछ नए पीसेज ऐड करना चाहती हूँ कि हर बार क्रिसमस की स्पिरिट के लिए. इस बार मेरा मन है कि थोड़े डार्क रस्टी ब्राउनिश कलर की बोज अगर मुझे मिल जाए तो. तो या इस वीक हम कोशिश करेंगे कि हम हमारी क्रिसमस की डेकोरेशन भी कर लें. एंड दूसरी चीज़ है कि पता नहीं इस बार मैं व्लॉग मिस करूँगी या नहीं. कर भी सकते हैं, यू नेवर नो, पर शायद ना करूँ, आई डोंट नो. ओके डॉगी लेने लोग गाना पंगे. Don't complain to me, complain to water. Hemant, I have some questions to ask. What do you think about meditation? Riz, aura. Yes, I wish. No, say Riz. Say Riz. ओके सो ये खूबसूरत जगह से जाने का समय है. इससे मैंने एक प्यारा सा कैफ़े खुला है, हम उत्थे एक विजिट करेंगे. हो सकता है हम कॉफ़ी पिए और डी कैफ पी सकती हूँ मैं क्योंकि मैं 3 बजे के बाद चाय या कॉफ़ी नहीं पीती. पर 3 बज गया. सो यहाँ 3 बज गए दोस्तों, डी कैफ पियेंगे. सो यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माहौल है इत्थे का. हिम्मत को ना लकड़ियाँ मिल जाती हैं कितों भी खेलने के लिए और इसके साथ खेलते रहते इतना एक्साइटेड होता है. अभी ये कहेगा इसे घर लेके जाना है. श्योर, ठीक है. तो मौसम है प्यारा एंड ऑल्सो यू गाइस कैन जस्ट कीप योर शॉल एंड एंजॉय दिस ब्रीज एंड दिस ब्यूटिफुल आफ्टरनून विद द चा एंड द कॉफी. हर एक डेकेड के बाद ना बंदे की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है एंड बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा एक जैसे भी रहते हैं पर या जिस चीज़ों को आप पसंद करते हैं वो चेंज हो जाती हैं एंड यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन. So first of all, we got the zip line, aka I called it Wee Wee, because I used to call it when I was like 5. Yeah. This is like so scary because there's that ending. You see that? Okay, I'll just show you guys. See?
chopping wood can be romantic. Sipping coffee under the apple tree is gentlemanly. Well, you're a good man, quite the best man, a real fine man. तो आज हमें पार्क में मिली है दो बहुत ही प्यारी सी लड़कियाँ और उनके पास ये प्यारा सा डॉगी था जिसका नाम था बो। एंड उन्होंने कहा कि ये इतना फ्रेंडली है, हम इसे पैट कर सकते हैं। तो हमने उसके साथ थोड़ा सा प्ले किया। You could, but you should, but you probably shouldn't. Kendi khana khala par na khate badhiya. You could, but you shouldn't. She said you could, but you shouldn't. Boogie ani hai. Cutie patootie, cutie patootie, cutie patootie, cutie patootie. सो हिम्मत का दिल थोड़ा खुल गया है डॉगी को पैट करने के लिए, क्योंकि हमारे फ्रेंड ने लेके आया ना छोटा सा पप्पी, उससे उससे अच्छा लगना शुरू है। पीछे का ला, हाँ हाँ, कोई नहीं, उन्हें मुंह नहीं खोलना। He likes you more। पर इधर रंग होते वर्गा ही है ना, वीर वर्गा। कौन है ब्रीड? और कोई है? इन्होंने पूछो की ब्रीड है। पर ये बिग हो स्मॉल हो? हाँ, उन्हें टाइनी रहना। He's What? He need a tummy rub now from you. He's extra friendly with strangers. That's not good, bro. That's not good. Okay, so आज हम लोगों ने decide किया है थोड़ी सी क्रिसमस शॉपिंग करने के लिए। हमारे पास already stuff है, पर हमें winners बहुत अच्छा लगता है थोड़ी चीज़ें लेने के लिए। So हम एक दो ornaments लेना चाहेंगे and ribbons और bows. So हिम्मत बहुत excited है एंड वो मेरे साथ आ गया है इस काम के लिए। आई डोंट नो दोस्तों क्यों हिम्मत है ना, हैंड बहुत बुरी तरह ड्राई, डैमेज्ड, क्रैकी हो गए थे, काली काली भी होगी स्किन, बट नाउ ही इज गेटिंग बेटर। डोमेन एक्सपेंशन इनफिनिटी वॉइड। जा स्मार्ट ना बने इधर से। दुबा ornaments at the and a cup of tea. Cup of tea, mate. No thanks, Papa said. It's a nutcracker. गाइज देखो ये ना ट्री का टॉपर है स्नोफ्लेक के जैसा, कितना खूबसूरत है। या आप एक इधर पे ऑर्नामेंट्स, और दीज आर द स्पेशल वंस। आई वांटेड दिस, बट हाँ मेरा फेवरेट कलर तो नहीं है, बट आप बहुत बढ़िया डील नहीं है किन्ने आ रहे। So you can pick a special one for you. Champagne. इन्हें कपड़े के डे पार्टी वाले वाया। वो ये तो भी करता। ये तो रोल भी करता। पार्टी पार्टी पार्टी। है ना? किन्नी किन्नी। I want to get this one. But it. No, I want this one because it spins as well. So
सो है मैंने अपने लिए चूहा डिसाइड किया है। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत डेकोरेशन है, बहुत सारे पीसेस हैं। So guys, today is the day we set up our Christmas tree. Not today, but tomorrow. No, Mama, please today. There's like what's it? मैं माइटेट भी नहीं किता आजे. We'll see, but it's too much work by the way. Mama, no, just have to bring out the Christmas tree and the decorations and start doing it. We'll try our best. Find your dreams come true. सो अब हम आए हैं माइकल्स यहाँ से ऑर्नामेंट्स देखने के लिए। इतना कुछ हमें पसंद नहीं आया है, पर यहाँ पे क्लियरेंस है सारे हेलोवीन के स्टॉक। मन्ने, यू वांट टू टेल एवरीबॉडी द इंसिडेंट वी जस्ट हैड? सो गाइस, देयर इज ग्रैंडमा एंड शी फार्टेड सो लाउड दैट द होल वर्ल्ड हर्ड इट। Yeah, that's true. That was so funny. So यहाँ पे ऑफर चल रहा है, buy one get one free. So basically जैसे ornaments मैं देख रही हूँ, थोड़ी लकड़ी वाले, थोड़ी bows, कोई ribbon, वैसा कुछ नहीं मिला है मुझे. So I think we're not gonna get anything from here. That's the story of our life. And we're gonna go to next store. Or maybe I'm gonna go to Marshall other day. Oh, this is so cute. So ये है असली candles. प्यारी है ना? Green, pine cone, and also white. So we guys are going to Indigo now. हिम्मत और मुझे दोनों को किताबें अच्छी लगती हैं। क्रिसमस वाले टाइम पे ना इस स्टोर की वाइब भी बहुत खूबसूरत होती है, एंड आपको यहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे ऑर्नामेंट्स मिलेंगे। प्राइजेस थोड़े क्रेजी होते हैं, बट इट्स वेरी नाइस। जिन्हों ने फेस इधर नू किते हैं मोस्टली वो नहीं होंदियां। सो अब हिम्मत यहाँ पे बैठ के किताब पढ़ेगा थोड़ी सी, एंड देखेगा कि उसे लेनी है या नहीं। एंड मैं भी अपने लिए कोई बुक ढूंढती हूँ, मैं भी कुछ रीड कर लूँगी तब तक। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो हिम्मत को अच्छी लगती हैं, तो वो एक्सप्लोर करेगा कि उसको या ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। सो यहाँ पे बहुत ही प्यारी सीट है बैठ के पढ़ने के लिए, बहुत जगह जगह कोने कोने बहुत प्यारे प्यारे नुक्स बने हुए हैं रीडर्स के लिए। एंड जब तक ये यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा तब तक मैं भी कुछ एक्सप्लोर करती हूँ कि मैं क्या पढ़ूँगी। तो मेरा फेवरेट टॉपिक आजकल है बुक्स का, फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी। सो यहाँ पे किताबें हैं पर वो वाले राइटर्स की नहीं है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे कुरान है, पर ये किसने लिखी है? ओके, या सही बंदे ने इसको ट्रांसलेट किया है। एंड और भी रिलीजियस किताबें हैं, बुद्धिज़्म पे बहुत सारी हैं, पर ये भगवत गीता पे भी एक बुक, लाइक तीन पार्ट्स में एक बुक है, बट इनके राइटर हैं दिस गाय। इंडिया में बहुत ऐसे राइटर्स हैं जिनकी किताबें आपको पढ़ना चाहिए और जिनके जो वर्जन्स हैं बेस्ट हैं। वैसे ये है कि जब आप किसी के वर्जन्स पढ़ते हैं तो आपको वही सीखने के लिए मिलेगा जो उनको मिला था, तो आपको उनका प्रॉस्पेक्ट दिखता है किताब के बारे में। सो किताब से डायरेक्ट पढ़ना ऐसे है कि आपका खुद से क्या नज़रिया तय होता है वो बहुत ज़रूरी है। सो यस, किसी के विचार ज़रूर से पढ़ें, पर किताब को डायरेक्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको, ताकि आप अपना नज़रिया खुद से बना पाए। सो फार मैंने कोई ऐसी किताब नहीं मिली है जो मैं पढ़ना चाहूँगी, पर फिर भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं। मेरी लिस्ट में ऑलरेडी कई किताबें हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा विचार विमर्श में हूँ कि मुझे पढ़नी चाहिए या नहीं, क्योंकि किताबें भी आपका नज़रिया चेंज कर देती हैं और जो एक्सपीरियंस से आप चीज़ें सीखते हैं
फिर वो मैनिपुलेट हो जाता है, क्योंकि फिर आपके माइंड में बात आ जाती है कि वो ये करेंगे तो ऐसा होगा, सो इसलिए पता नहीं मैं पढ़ूंगी या नहीं। ओके, एक बात बताना चाहती हूँ आपको, किताबें पढ़ने का मुझे शौक है एंड हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। एंड जब हम सदगुरु से मिलने के लिए गए थे एंड इवनिंग विद सदगुरु, तो मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि मुझे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए या नहीं, और उन्होंने कहा था कि तुम क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। अभी मैंने पूछा नहीं था, पर सदगुरु ने पहले ही कह दिया था ये कि मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी और मैं नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप पढ़ें, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी छेड़छाड़ हुई है, जो वो एक्चुअल में लिखे गए थे अब वो पूरे प्योर नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के विचार उसमें ऐड ऑन हो गए हैं। सो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपका नज़रिया सेट हो जाता है कि ओ ये चीज़ें ऐसे हैं। सो खुद से एक्सपीरियंस करें एंड अपना नज़रिया खुद से बनाएं। सो दैट्स द स्टोरी अबाउट रीडिंग बुक्स। सो आई एम नॉट श्योर कि मैं पढ़ूंगी या नहीं, पर या लेट्स सी। ओके, सो मुझे बहुत ही प्यारा सा एक प्लानर मिला है, मैं अपने लिए ये लेने वाली हूँ। इसमें 18 मंथ्स का प्लानिंग है एंड अंदर ना सेक्शंस भी बहुत प्यारे हैं एंड टू डू लिस्ट एंड ऑल्सो स्टिकर्स। दिस इज क्यूट, आई गॉट गेट माईसेल्फ दिस। सो हिम्मत ने थोड़ी बुक रीड करी, उसको वो ओके काइंड की लगी, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल नहीं लगी, पर स्टिल ही डिड समथिंग सस्पिशियस इन द स्टोर। मैंने अपने लिए एक जर्नल लिया है एंड बार हो गया है नेरा एंड अब हम दोनों जाएंगे घर की तरफ। लेट्स गो स्वीटी पटूरी, लेट्स गो क्यूटी पटूरी। सो घर जाने का समय आ चुका है एंड बाहर अंधेरा देख के ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मिड नाइट हो गया। मिड नाइट नहीं, 9-10 बजे लग रहे हैं, पर बजे सिर्फ 5:20 है। तो कुछ दिन हमारे पास ऐसे होते हैं कि जब 10 बजे भी रोशनी होती है एंड विंटर्स में 5-5:30 बजे ही नेरा पै जाता है। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट कनेडियन फॉल। सो काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया और हम दोनों घर चले जाएंगे एंड हमारे डिनर का प्लान ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि यू गॉट द रैटाटुई। ओके कैमरा बहुत दूर है। ओके, हिम्मत ने वो चूहा लिया है ना, उसका नाम उसने रैटाटुई रख दिया है। घर जाके दिखाऊंगी मैं आपको। एंड पॉम पॉम, रैटाटुई उसके स्कूल का नाम है, पॉम पॉम उसके घर का नाम है। ओके, सो अनदर थिंग आई वांट टू टेल इज कि डिनर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिम्मत की दोस्त की मम्मी ने हमें बिरयानी भेजी है। वो बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं, वेजी बिरयानी। एंड दोस्त की मम्मी है हैदराबाद से, मतलब दोस्त भी हैदराबाद से है, सो उन्होंने बिरयानी डिलीवर कर दी है। सो हिम्मत एंड हस्बैंड खाएंगे बिरयानी। सो ये है डिनर का प्लान। So no more chinta about dinner. Okay, so हम लोग घर पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं, हिम्मत ने ये लिया है बहुत ही प्यारा सा मग, जिंजर कुकी मैन, और इसमें वो हॉट चॉकलेट पिएगा मार्शमेलोज डाल के, नॉट येट, जब वो ठीक हो जाएगा। लेट्स दैट। मून देखो गाइस, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैंने देखा है कि मून है ना, जो वो जैसा नेचुरल आँखों को दिखता है वो आपकी कैमरे को नहीं दिखता, पर नॉट बैड है। या ब्यूटिफुल मून एंड लेट मी, पति ने ना जब हम घर आए काफ़ी ज़्यादा सफाई करके रखी है, क्लीनिंग कर रहे हैं, पत्ते पुते चक्कन दे, कुछ ना कुछ तो अनवांटेड करते रहते हैं। और ना वो कैच कर, पीछे कैच कर हमारे फर्नीचर उसे ला के जगह जगह रखने दे। केड़े का मजे पे हैं प्यारी, जन्नी है केड़े का मजे पे हैं। कद्दा तू दुनिया ना फाइट करेगी, तू तो डर जन्नी है। नहीं तू ही मेरे उते चीजा सुटोगे तो मैं की फाइट करा साडे ना। तन्नू बन जाना चाहिए खड़ी जी भैन, खाली खाली सी भैन भैन। तू इन्ने रहदे विच की आत्मावां बन बन घूमदे फिरदे आ, करते की फिर दे चाहते की हाँ तुम नहीं, इतने की बरात ने आना जी लाइन बना इतने के न्याणा प्रौहणिया ने जानी गाइज। एक्चुअली एक बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड ना पॉपुलर हो गए गराज से थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, कि हमारे महल वाले लोग की जब आते हैं ना यहाँ पे बैठ जाते हैं वो खुद ही, अगर हम नहीं भी होंगे तब भी बैठ जाते हैं वो।
ਮੈਂ ਮੱਲੀ ਦਾ ਐਮਸੀ ਬਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਬਣ ਜਾ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਬਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੇਡੀਆਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਫੋਰ ਮੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ And we gonna do something extremely well for this community. Like wonderful ladies, I would like to be around me. ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਓਲਡ ਏਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਾਪੂਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਯੰਗ ਬਲੱਡ 'ਚ ਆ ਮੈਂ ਪਾਪੂਲਰ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਕੀ ਟੀਨੇਜਰਸ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ Give me some Zen Alpha words. Christmas has Rizmus. Stop yapping. What FG? Hello guys, welcome. So I'm making spicy. Spicy. So guys, there's this one life hack. After you pour it in and wait 3 minutes, you poke holes in it so the steam just flows out. So we're gonna test a life hack today. But I need a bit of help. So introducing my mommy. Okay, I'm open karke. Grab the seasoning. You think you can handle spice? Yes. I have rice. And now? Okay, wait. Water pour time. Ek minute hath bada kar la. Let him cook. Hey Gugu, maybe kuch aur rakh. Put 3 minute timer. So you see, after 3 minutes, I guess. Wasn't that cool? I snapped my fingers and oh my goodness! All right, it's been 3 minutes. Time to test. All right. Ooh, that looks good. Oh, that's hard. That's myth busted. Ooh, that looks tasty. थोड़ा सा और वाटर पा दो आई थिंक वी नीड मोर वाटर पा दो नो 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 इट्स ओके लिटिल बिट सो यू गोना ईट सम हियर आई थिंक इट्स टू हॉट टाइम टू टेस्ट दिस आई took a tiny bite of it so hot ओके वेट वेट ओह टू हॉट हो ना अच्छा ओके भी चले ओके गाइस नाउ इट्स एंजॉयिंग टाइम ओके सो आज इसी तरह हिम्मत का डिनर तो हो गया है एंड हस्बैंड अब बिरयानी खाएंगे मैं मेरे लिए मिसी परांठा भी बनाने वाली हूँ एंड यस दिस इज़ अ डिनर सीन है दोस्तों बहुत सारे दोस्त मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं मेरे बालों को कैसे स्टाइल करती हूँ आपके साथ शेयर करूँ एंड कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जिससे इतना स्मूथ फिनिश आता है ये मेरे बाल हैं नॉर्मली यूजली मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट पसंद है वो अमिका का द विज़र्ड डी टैंगलिंग प्राइमर है ये हीट प्रोटेक्शन भी है एंड बहुत स्मूथ आपके बाल स्टाइल होंगे इसे लगाने से बालों को कंघी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है एंड मैंने इसको लगाती हूँ जब मेरे बाल गीले होते हैं एंड मैं ब्रश कर लेती हूँ पर आज नहीं मैंने किया है सो ये थोड़ा महंगा ऑप्शन है मुझे लग रहा है $40 या $45 का आता होगा दूसरा ऑप्शन है ये ट्रेजमे का कैरेटिन स्मूथ हीट प्रोटेक्शन स्प्रे ये लाल या काले स्प्रे में आता है ये भी बहुत अच्छी फिनिश देता है ये यूजुअली आपको सेल में $4-5 तक मिल जाता है सो इससे मैं स्प्रे करूँगी बस मेरे एंड्स में क्योंकि अदरवाइज़ मेरे बालों के जो यहाँ पे बहुत ऑयल निकलता है अगर मैं इसे स्प्रे कर लेती हूँ तो मेरे बाल ना 3-4 दिन भी चलते नहीं ऑयल बहुत निकल जाता है सो थोड़ा इनको करने के बाद हैंड के साथ रब इन कर लेंगे प्रोडक्ट को देन मैं हेयर को ब्रश करती हूँ ब्रश के लिए ये वेट हेयर ब्रश यूज़ करती हूँ मैं ये मैंने अमेजोन से लिया था इससे बालों को ब्रश करना बहुत आसान है एंड बाल ज़्यादा टूटते नहीं हैं एंड बहुत सॉफ्टली ब्रश हो जाता है इससे पहले मेरी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल थी आप देखें कितना ईजी है अदरवाइज़ जैसे मेरे बाल हैं उनको ब्रश करना बहुत मुश्किल है सो आज मैं मेरे बालों को स्ट्रेट नहीं करूँगी पर मैं आपके साथ स्ट्रेटनर भी शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं मेरा जो स्ट्रेटनर है बहुत ही अफोर्डेबल है रेमिंगटन ब्रांड का है एंड ओके अब हेयर को ब्रश करेंगे
ब्रश करने से मेरे बालों की वॉल्यूम कुछ थोड़ी और बढ़ जाएगी। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, यूजली मैं मेरे बालों को ब्लो ड्राई करने के लिए यूज़ करती थी रेवलॉन का दिस वन, पर जब हम इंडिया गए थे तो आई डोंट नो हीट की वोल्टेज की प्रॉब्लम की वजह से वो बर्न हो गया था। उसके बाद मैंने उसे लिया नहीं, और ये आई थिंक इन्फिनिटी प्रो ब्रांड का कॉस्को में लगा था, इसको ले लिया मैंने। ये भी अच्छा काम कर रहा है, बट मुझे रेवलॉन वाला ज़्यादा अच्छा लगता था, आई डोंट नो वाई, बट वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। सो अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए इनमें, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। पर यार रेवलॉन वाला मुझे बहुत प्यारा लगता था, पर सो फार मैं ये यूज़ करूँगी जब तक ये साथ देगा मेरा। सो ये वेट हेयर ब्रश आपको मार्शल विनर से भी मिल जाएगा या अमेजोन से भी। सो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिनके बालों में बहुत उलझने आती है। सो दिस इज़ माई ब्यूटीफुल हेयर नाउ। सो अब क्या करेंगे, बालों को थोड़े से सेक्शन में बांट के जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े हिस्सों को ब्लो ड्राई करेंगे। अगर आप अपने बालों को बिना ब्लो ड्राई करे सीधा ही स्ट्रेट करते हैं तो एक तो स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, आपके बाल ज़्यादा डैमेज होंगे ही, और उतना अच्छा फिनिश नहीं आएगा। क्योंकि बहुत दोस्त जानना, बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन है कि तुम्हारे जैसे बाल हैं वैसे ही हमारे, पर हमारी फिनिश वैसी क्यों नहीं आती है। उसके लिए ऐसा प्रोडक्ट हेल्प करता है, ये है तो बहुत आसान है। अदरवाइज़ आप ब्रश लें और रेगुलर ड्रायर के साथ भी कर सकते हैं, पर इससे एक हाथ ही यूज़ करना पड़ता है। तो आपको बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। मैं इसको अपने बालों के नज़दीक लेके जाऊँगी एंड बस इसको ब्लो ड्राई करते हुए एंड्स पे ले आके हम डन, दैट्स इट। ओके, सो बाल बहुत ही प्यारे सॉफ्ट एंड फ्लफी एंड वॉल्यूमिनस लग रहे हैं। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या स्ट्रेटनर यूज़ करके स्टाइल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, क्योंकि ये वाइट कलर का है, पर कोशिश करूँगी कि इसकी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ। आप देखें, ये वाला स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ मैं, इसका नाम है रेमिंगटन शाइन थेरेपी। इस पर ये डिस्प्ले भी आता है जिसपे आपको टेम्परेचर का पता चल सकता है कि कितना टेम्परेचर है। सो या बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल स्ट्रेटनर है ये। सो दिस इज़ अ हेयर स्टोरी, लेट्स गो एंड डू समथिंग माइंडफुल मीनिंगफुल। ओके, सो जो मेरी नेबर है उसने हमें बिरयानी इसमें दी थी, और बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हैं एंड ना क्लासिक बिरयानी बनाती है ना। कलर के लिए बीट रूट है, सोयाबीन, बीन्स, पता नहीं कितने इंग्रेडिएंट्स। सो ये सेव करेंगे पति के लंच के लिए कल। ओके, सो उसकी वजह से मेरा डिनर बहुत ही अच्छा हो गया एंड मैंने कुछ खा लिया है, हिम्मत ने भी कुछ खा लिया है, एंड अब मैं डिशेज़ को क्लीन करूँगी एंड मैं कोशिश करूँगी कि इस व्लॉग को एडिट करना शुरू करूँ एंड अपलोड करूँ। एंड yes, okay, so I have to do quick clean up. So ये हिम्मत का वो वाला मग है जो आज लेके आया है, उसको वॉश कर दिया मैंने, पर बिकेज उससे थोड़ा सा सोर थ्रोट है तो उसे मैं दूध नहीं दूंगी आज, क्योंकि दूध इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करा करें, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं, उन टॉपिक्स पे हम फ्यूचर में ज़रूर से कन्वर्सेशन करेंगे। बहुत सारी दोस्त हैं जो अपनी मैरिज से ना खुश हैं एंड कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनके पति उन्हें परेशान कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको हम कवर करेंगे, मैं ज़रूर से बात करूँगी कि कैसे आप इसको हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी दोस्त हैं जिनकी नई शादी हुई है एंड उन्हें इन लॉज के घर में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा है, उसके बारे में भी हम ज़रूर से बात करेंगे। यहाँ पे मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आपकी आउटसाइड की सिचुएशन जैसी कैसी भी हो,
उसके लिए आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हैं अनलेस वायलेंस हो किसी रिश्ते में. पर अगर कोई बोल के आपको परेशान कर रहा है या आपका बिहेवियर उनके साथ मैच नहीं हो रहा और आपको लगता है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप अपने मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं. हर चीज़ का सलूशन मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करके ढूंढ सकते हैं. सो अपने ऊपर असली में काम करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ध्यान करना, मेडिटेट करना. मेडिटेट करना बहुत आसान नहीं है पर बहुत मुश्किल भी नहीं है. वंस अगर आपको इस पर ग्रिप आ जाएगी कि कैसे करेंगे तो आपकी सारी सराउंडिंग सिचुएशन ठीक होनी शुरू हो जाती है. हम हिंदुस्तान से हैं और हमें पता है कि कोई भी चीज़ बिना रीज़न से नहीं होती है. ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि एवरीथिंग कार्मिक है. सो अगर आपकी लाइफ में बुरा पति है, बुरे इन लॉज हैं, बुरे दोस्त हैं, तो ये सारा कुछ एक्चुअली कार्मिक है. सो जब आप अपने लेसन लर्न कर लेते हैं वो लोग टोटली डिफरेंट हो जाते हैं या आपकी लाइफ से निकल जाते हैं. बहुत बार ऐसे होता है. सो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप उनको सुधारने में मत लगाएं. या फिर कैसे आप उनको राइट प्रूव करेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा सही हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, बाकी सारा खराब है, उसमें वेस्ट मत करें. अपने ऊपर ज़्यादा समय स्पेंड करें, बेशक वो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हो, मेडिटेट करें और यू नो डीपर पर्पस को ढूंढने इस ज़िंदगी के. सरफेस लेवल पे मत जिएं कि यू नो आज कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई है जिसमें आपको लगता है कि आपको डिसरिस्पेक्ट हुआ है. वो डिसरिस्पेक्ट तभी होगा जब आप उसको लेना चाहेंगे. अगर आप नहीं लेंगे तो नहीं होगा. सो अपने ऊपर ज़रूर से काम करें. मेडिटेशन कैसे करते हैं बिगिनर्स के लिए उसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी. मैंने थोड़ा शूट कर लिया है, थोड़ा मुझे करना है, पर वो वीडियो आपको ज़रूर से हेल्प करेगा. जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे और आपका फोकस अपने ऊपर होगा तो चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाएंगी और आप चीज़ों से, इंसानों से, रिश्तों से डिटैच हो जाएंगे. जब आपको एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी तो फिर दिल के टूटने की, उदास होने की या चीज़ों के बुरा रखने की गुंजाइश नहीं बचती है क्योंकि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं जैसे भी वो हो. सो यहाँ पे ये कहना चाहती थी. पर और ये भी है कि जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं मैं उसको रिकॉग्नाइज करती हूँ. उसको मैं ज़रूर से जल्दी ही उनके बारे में हम एलैबोरेट करके बातें करेंगे. सो अगर आप सैड हैं या कुछ भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं. मेरे सारे ही सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. सो दोस्तों आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड मेरी वो मेडिटेशन वाली वीडियो ज़रूर से देखना, आपको अच्छी लगेगी. एंड अगर आप ऑलरेडी मेडिटेट करते हैं अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना. अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर लें ज़रूर से. सो दैट्स इट. अपना ख्याल रखें दोस्तों एंड बिल्कुल मत भूलें आप बहुत प्यारे हैं जैसे भी हैं. आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. ईजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी. बाय बाय लालू.